हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गार्डन ज्ञान चैनल में। ये देखिए, समर का एक बेहतरीन प्लांट कामिनी मुराया एक्जोटिका। ये बहुत सेंटर्ड प्लांट होता है और बूसी प्लांट है। और देखिए, ये समर इसका फ्लावरिंग सीजन होता है। हर डाली पे इसके बर्ड्स और फूल आए हुए हैं और रात के टाइम ये खुशबू बिखरता है, बहुत स्वीट सेंट होता है इसका। ये रफ एंड टफ प्लांट होता है, इसका खास देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीचे इसको लगाते हैं तो भूल जाइए इसे मेंटेन करना, ये अपने आप ही फ्लावरिंग करेगा। खाली पानी देना पड़ता है इसको। लेकिन मैं इसे एक बड़े से बाल्टी में लगाया हूँ। देखिए, ये वेस्ट बाल्टी था, ये 20 लीटर का। और देखिए इसका ग्रोथ कैसे शानदार ग्रोथ है। इसका पॉटिंग मिक्स मैं बताता हूँ दोस्तों। इसमें आप लीजिए 60% गार्डन सॉयल और 40% आप राइस सॉल्स और जो गोबर के खाद आता है उसे मिक्स करके बनाइए और उसे डालिए, और कुछ नहीं दोस्तों। और इसमें ये देखिए फ्लावर गुच्छे में आता है। ये स्टेम कटिंग से आसानी से हो जाता है जुलाई अगस्त में। ये देखिए, बाल्टी में ऐसे लगाया हूँ मैं, नीचे ड्रेनेज होल है। ये प्लांट 3-4 साल हो गया है। ये आगे और भी फ्लावरिंग करेगा, लगातार जून जुलाई तक करेगा। ये मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है और कीड़े पेस्ट इसे तो लगता ही नहीं है। कुछ स्प्रे कुछ भी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, मस्त रफ एंड टफ प्लांट है ये। इसे फुल सन में रखिए, धूप इसे लगना चाहिए, सुबह दोपहर का लगने पे भी चलेगा। और पॉट पे लगाए हैं तो पानी बराबर दीजिए, और नीचे है तो एक बार पानी देने से भी चलेगा। इसको आप अपने घर के विंडो के पास या फिर एंट्रेंस के पास रखिए, जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो भीनी भीनी खुशबू आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये था दोस्तों कामिनी के ऊपर मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।